तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी और झटका देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है, वही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाला केस जो कि अभी बहुत ही गरमाया हुआ है और जिस पर आपको आए दिन यहाँ पर न्यूज चैनल्स में या फिर इसके अलावा सोशल मीडिया, चाहे आप बात करो ट्विटर, फेसबुक या फिर इसके अलावा इंस्टा पे, आपको रील्स मीम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और जिस जो ये जो टॉपिक है वो अभी का देश का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो उस पर यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है और वो निकल कर आ रही है झारखंड से कि झारखंड में भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर कांड हो गया है, उसको लेकर यहाँ पर खबर सामने निकल कर आ रही है। और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको लग रहा है कि ये फेक है या फिर ऐसा वैसा, आपको यहाँ पर आर्टिकल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी पढ़कर आप यहाँ पर तसल्ली कर सकते हो। ऑथेंटिक यहाँ पर सोर्स लिंक मैं आपको दे दूंगा। झारखंड में भी ज्योति मौर्य जैसा किस्सा, पति ने मजदूरी कर नर्स बनाया, अब पत्नी साथ रहने से इनकार कर रही है। यहाँ पर झारखंड में भी यहाँ पर यूपी के प्रतापगढ़ वाला ज्योति मौर्य जैसा किस्सा हुआ है। दरअसल झारखंड के साहिबगंज जिला के यहाँ पर एक शख्स ने दावा किया है कि उसकी पत्नी को यहाँ पर पढ़ा लिखा कर उसने नर्स बनाया, अब वह उसके साथ रहने से इनकार कर रही है। शख्स का दावा है कि उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई में तकरीबन 4.5 लाख रुपए यहाँ पर खर्च कर दिए हैं और जब वह नौकरी करने लगी तो उसने उसे अपनाने से, यानी उसने उसकी पत्नी ने अपने पति को अपनाने से यहाँ पर इनकार कर दिया है। और उसका ये भी कहना है कि उसकी पत्नी 14 अप्रैल 2023 से ही लापता है, पत्नी के साथ उसका 10 साल का बेटा भी गायब है। शख्स ने जब जिला अदालत, डीसी और पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन देकर जो है वो न्याय की गुहार लगाई है। शख्स का कहना है कि उसने पत्नी को पढ़ाने के लिए गुजरात में मजदूरी की, ट्रैक्टर चलाया। कनाई का आरोप है कि पत्नी जो है वो 28,000 रुपए और यहाँ पर ज्वेलरी लेकर यहाँ पर फरार हो चुकी है। उसने वरीय पदाधिकारियों से भी न्याय की यहाँ पर गुहार लगाई है। साहिबगंज जिला के यहाँ पर बांझी बाजार का है पूरा मामला। यह जो पूरा मामला है वो साहिबगंज जिला के यहाँ पर बोरियो प्रखंड अंतर्गत बांझी बाजार का है। बांझी बाजार निवासी कन्हाई पंडित की वह शादी जो है वो 2009 में बोरियो प्रखंड के ही यहाँ पर तेलों बथान टोली की कल्पना कुमारी से हुई थी। शादी के बाद कल्पना ने यहाँ पर आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। कनाई का कहना है कि उसने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए पत्नी की पढ़ाई जारी रखने में असमर्थता जताई, लेकिन पत्नी ने जिद की तो वो आगे पढ़ाने के लिए मान गया। कनाई ने अपनी यहाँ पर पत्नी की पढ़ाई के लिए यहाँ पर बोरियो में ही मकान बनवाया और वहीं पत्नी का दाखिला भी सिबू सोरेन जनजातीय महाविद्यालय में कर दिया। यहाँ कल्पना ने 5 साल तक पढ़ाई की और यहाँ पर फिर नर्सिंग ट्रेनिंग लेने के लिए इच्छा जाहिर की। कनाई ने कर्ज लेकर जमशेदपुर स्थित एक नर्सिंग कॉलेज में कल्पना का दाखिला करा दिया। कनाई का दावा है कि वो खुद पत्नी के साथ जमशेदपुर स्थित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में भी गया और 2 लाख रुपए नकद यहाँ पर फीस का भी भुगतान किया। कल्पना ने 2 साल यहाँ पर M&M की ट्रेनिंग भी ली। पत्नी की पढ़ाई पर यहाँ कनाई ने खर्च किए हैं 4.5 लाख रुपए। कनाई का कहना है कि 2 लाख रुपए फीस देने के अलावा उसने 2 साल में यहाँ पर कल्पना की पढ़ाई, रेंट, किताब कॉपी, इसके अलावा अन्य जरूरतों पर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा कर दिया है। इसकी वजह से वो कर्ज में डूब गया है। जब पत्नी ट्रेनिंग पूरी करके वापस लौटी तो साहिबगंज में ही जुमावती नर्सिंग होम में यहाँ पर बतौर नर्स ज्वाइन किया। इधर कनाई ट्रैक्टर और मजदूरी करके कर्ज चुकाता रहा है। इसी बीच एक दिन पत्नी ने उससे कहा कि ऐसे रोजाना 200-250 रुपए की कमाई में कर्ज कैसे उतरेगा, उसे कहीं बाहर जाकर कमाना चाहिए। कनाई ने कहा कि मुझे भी पत्नी की बात सही लगी क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी तो मुझे लगा कि वह परिवार के लिए अच्छा ही सोची, इसलिए मैं कमाने के लिए गुजरात वापिस चला गया। कर्ज चुकाने के लिए 2 साल तक गुजरात में मजदूरी की। वह साल यहाँ पर 2019 में यहाँ पर आखिर में कनाई पंडित गुजरात गया और यहाँ पर इधर 2020 की शुरुआती में कोरोना महामारी ने भारत में दस्तक दी। मार्च 2020 में पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया। कनाई घर लौटना चाहता था लेकिन पत्नी ने यह कहकर मना किया कि यहाँ क्या काम करोगे, वहीं रहो। कनाई यहाँ पर तकरीबन रोते हुए कहता है कि वह लॉकडाउन में पुलिस की मार गाली खाकर काम करता रहता और काम पे जाता, कभी नमक रोटी तो कभी केवल चावल खाकर रहता, हर महीने पैसे भेजता रहता, परिवार की जरूरतें पूरी करने के अलावा कर्ज भी चुकाते रहता। 2021 में कोरोना की महामारी की दूसरी लहर में भी कन्हैया गुजरात में ही था। इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी ने बताया कि घर में आग लग गई है लेकिन सामान बच गया है। इसमें जमीन के कागजात, अन्य शैक्षणिक दस्तावेज, बेड, टेबल, कुर्सी, कपड़े और बक्सा आदि भी शामिल है। पत्नी ने कहा कि उसने सारा सामान अपने मायके में रखवा दिया है। हालांकि कनाई का आरोप है कि उसकी पत्नी ने खुद घर में आग लगाई थी। गुजरात से लौटने के बाद पत्नी का बदल गया रवैया।
कन्हई मार्च 2023 में होली से तकरीबन चार दिन पहले घर लौटा। कन्हई का आरोप है कि घर वापस आने के बाद उसने गौर किया कि पत्नी का व्यवहार उसके पति प्रति जो है वो रुखा था, यानी कि बदल गया था। वो दिन रात ड्यूटी के नाम पर अक्सर घर के बाहर ही रहने लगी। पति पत्नी का जैसा संबंध रहा नहीं उन दोनों के बीच। कन्हई का यहाँ पर आरोप है कि मैं जब भी उसके पास जाता तो वो झिड़क जाती थी या फिर वो झगड़ा करने लगती थी। होली भी पत्नी के साथ नहीं मना पाया। धीरे धीरे उसे संदेह होने लगा कि उसकी पत्नी उससे रिश्ता नहीं रखना चाहती। कन्हई का कहना है कि इसी बीच पत्नी 10 साल के बेटे को लेकर यहाँ पर मायके चली गई और आखिरी बार यहाँ पर 14 अप्रैल 2023 को उनकी बात हुई थी। यहाँ पर इसके बाद से कल्पना का फोन बंद है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और थाना प्रभारी ने एक अन्य नंबर पर भी ट्राई किया लेकिन बात नहीं हो पाई। कन्हई कहते हैं कि मेरा मानसिक और आर्थिक शोषण किया गया है, मैं कर्ज में डूब गया हूँ और लेनदार तकादा करते रहते हैं। पीड़ित कन्हई ने वरीय पदाधिकारियों से लगाई है यहाँ पर गुहार। पीड़ित ने यहाँ पर जिला अदालत, उपायुक्त और SP के पास शिकायत दर्ज कराई है, न्याय की गुहार भी लगाई है। उसकी मांग है कि पत्नी वो सारे पैसे उसे लौटा दे जो उसने उसकी पढ़ाई पर खर्च किए हैं, उसे उसके बेटी के कस्टडी वापस मिले और बोरियों में घर जलने के बाद जो सामान कल्पना अपने मायके ले गई थी वह उसे सही सलामत लौटा दे। कन्हई का कहना है कि ससुराल वाले उसे उसका सामान लौटाने से मना कर रहे हैं, सास ससुर और साला प्रताड़ित करते हैं। कन्हई ने कहा है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो इस तरीके की ये जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं ये दिल दहला देने वाली है। ये जो केस सामने निकल कर आ रहा है ये तो मतलब आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य से भी डेंजर यहाँ पर केस हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर इस तरीके के यहाँ पर एग्जांपल्स हमें अपने समाज में देखने को मिलेंगे या फिर इस तरीके की घटनाएं हमें अगर अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेंगी तो कौन सा पति है जो अपनी पत्नी पर विश्वास करेगा। अब पति पत्नी का रिश्ता ही यहाँ पर तार तार हो चुका है। यहाँ पर पहले ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य ने इसकी शुरुआत की, अब इस तरीके के केसेस जो कभी दब जाते थे या फिर हाईलाइट नहीं होते थे अब यहाँ पर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के केस ने या फिर यहाँ पर ज्योति मौर्य ने इस तरीके से एक चिंगारी लगा दी है पूरे देश भर में कि अब ऐसी आग लग गई है कि अब कोई भी पति अपनी पत्नी को कभी नहीं पढ़ाएगा और यहाँ पर भूल से भी भले नमक रोटी खाकर वो जिंदगी बिताएगा, कम खर्चे में कम पैसे में यहाँ पर वो अपनी पत्नी को गुजारा कराएगा या फिर अपने बच्चों का भरण पोषण करेगा, भले अपने बच्चों को पढ़ाएगा लेकिन अपनी बीवी को कभी नहीं पढ़ाएगा। तो इस तरीके के जो एग्जांपल्स हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं झकझोर देने वाले हैं और ऐसा झटका देने वाले हैं कि कहीं ना कहीं हम सबकी जो सोच है वो पलट कर रह जा रही है। और अभी शायद ही ऐसा कोई पति होगा जो अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहेगा या फिर जो पढ़ा भी रहा होगा तो वो भी वापस उसको घसीट कर अपने घर वापस लाएगा, बोलेगा कि तुम भले कुछ दूसरा ही काम कर लो, बर्तन ही मांझ लो, आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, भले घर बैठो मैं सारा काम खुद से कर दूंगा, खाना भी मैं ही पकाऊंगा, बर्तन भी मैं मांझूंगा, तुम कुछ भी मत करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस ये पढ़ाई की बातें मुझसे मत करो। तो इस तरीके की जो घटना है वो कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली है, कहीं ना कहीं हमें सोच में डाल रही है और कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं जो है वो पतियों का मनोबल तोड़ कर रख दे रही है क्योंकि अब वो किस सोच से या फिर किस उम्मीद से अपनी पत्नियों को पढ़ाएं क्योंकि इस तरीके के जो एग्जांपल्स हमें देखने को मिल रहे हैं या फिर जो हमारा समाज अब जिस तरीके का हो गया है और जिस तरीके के हमें एग्जांपल्स भी देखने को मिल रहे हैं जहां पर झूठे यहां पर दहेज के आरोप वगैरह लगा दिए जा रहे हैं और अगर पति कमज़ोर है या फिर कम पढ़े लिखा है या फिर उसकी जो ग्रेडिंग है या फिर उसका जो पोस्ट है वो कम है पत्नी से और पत्नी जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई है या फिर ज़्यादा समझदार हो गई है तो कहीं ना कहीं वो अपने पति को दबाने की कोशिश करती है या फिर केस को रफा दफा करने की कोशिश करती है या फिर इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली है जहाँ पर जो कहा भी जा रहा है, काफ़ी लोग एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि देखो जब इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है या फिर जो जब वो कमाने धमाने लगता है तो ये सोचता है कि अब मुझे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना है या फिर मुझे अपने लोग या फिर अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपनी बीवी, बच्चों का पेट पालना है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। लेकिन जब वही एक जो नारी है वो सशक्त हो जाती है, पढ़ी लिखी हो जाती है, जिम्मेदार हो जाती है, नौकरी करने लगती है तो वो ये सोचती है कि मुझे मर्द की क्या ज़रूरत है, अब मैं खुद में सिर्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की क्या ही ज़रूरत है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है एक गलत मिसाल हमारे समाज के सामने पेश कर दे रहा है। और भले ही यहाँ पर संविधान जो है अब यहाँ पर जो है इस बात की इजाज़त भी दे रहा है कि आप यहाँ पर
जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर सकते हो, यहाँ पर जो है मतलब शादी के बाद भी आप दूसरे के साथ संबंध बना सकते हो, अब उसको भी लीगल कर दिया गया है। लेकिन भले ही ये संविधान में अब इसको लीगल कर दिया गया हो या फिर यहाँ पर संविधान में इसको जगह दे दी गई हो कि कोई किसी के साथ भी घूम सकता है, फिर सकता है, यहाँ पर पति पत्नी के रिश्ते को तार तार कर सकता है, एक के साथ आप अगर आप शादीशुदा हैं भी तो आप दूसरे के साथ भी यहाँ पर जो है संबंध बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये तो कानून बोलता है। लेकिन समाज तो इन चीज़ों को कभी मानेगा नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो रिश्तों को ख़राब करता है। और कभी भी भले जो चीज़ें हैं लोग अपने हिसाब से उसको सही ठहराने लगे या कानून उसको सही ठहराने लगे, जबकि वो गलत ही है। आप किसी के साथ शादी करते हो, उसके साथ ज़िंदगी बिताने का वादा करते हो, ज़िंदगी में साथ भी रहते हो, एक दूसरे का साथ भी निभाते हो, और जब आपको यहाँ पर मौका मिल जाता है तो आप अपने पार्टनर को, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, आप उसको धोखा दे देते हो, किसी और के साथ आप अवैध संबंध बना लेते हो, अपने पति या फिर अपनी पत्नी के रहते हुए उसको धोखा देते हो पीठ पीछे, या फिर उसके उसके भोलेपन का या फिर उसके सपोर्ट का गलत फ़ायदा उठा लेते हो, तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है। और जिस तरह ये जो अभी हाल ही में ये जो कानून पास किया गया है एडल्टरी वाला, ये पता नहीं क्या सोचकर कानून पास किया गया है, ये तो मेरी समझ के बाहर है। खैर इस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा कि क्योंकि मैं जज नहीं हूँ और मुझे किसी चीज़ को यहाँ पर जज नहीं करना, पर जो गलत है समाज के तो समाज कि दृष्टिकोण से या फिर समाज के लोगों के हिसाब से जो हम लोग देखते हैं और जो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाज की नज़र में ये चीज़ हो तो गलत है, वो तो गलत ही बोलेगा चाहे जो कुछ भी हो जाए, कानून अपने हिसाब से कुछ भी बोले, लेकिन समाज के दृष्टिकोण से जो चीज़ें गलत हैं और जो वाकई में गलत है तो उसको गलत ही ना बोला जाएगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं वो वाकई में शर्मनाक है और इसकी मैं भी कड़ी निंदा करता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये जो कन्हाई जी हैं इनके साथ वाकई में न्याय होना चाहिए, और इसीलिए वजह से आप इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सकते हो उतना से उतना शेयर करो ताकि इनको न्याय मिले, इंसाफ मिले। जोहार।